हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब कुछ आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। आज तो हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो रही है मज़े की। उम्मीद है कि आपके यहाँ भी मानसून आ गया होगा और आप भी बारिश के मज़े ले रहे होंगे। तो इस बारिश के मौसम में आज हम नाश्ते में बनाएंगे बंगाली कचौड़ी, जिसे राधा बल्लभी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, साथ में ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आइए जानते हैं कि ये कचौड़ी कैसे बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया था 300 ग्राम धुली हुई उड़द की दाल। धुली हुई उड़द की दाल का मतलब बिना छिलके वाली। तो आप रात में दाल भिगा दें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मसाले में लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया था सौंफ और 1 टेबल स्पून जीरा। तो हमें दाल को पीसना है और मसाले का पाउडर बनाना है। दाल को जो हम पीसेंगे तो बहुत ही बारीक नहीं पीसना है, ना ही बहुत ही मोटा पीसना है, तो मीडियम में पीसना है। तो आप ग्राइंडर में इसको पीस लें, इसमें ज़्यादा पानी डाल के ना पीस। इसके अलावा आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया था और 4 कप गेहूं का आटा लिया था। तो छान के आप इसको मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा हमें अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट ना बनाए बल्कि इसको कूट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1.5 इंच अदरक लिया था मैंने और 2 से 3 हरी मिर्च लिया था। इसको मैं कूट लूँगा। उसके बाद मैं फिर आटा गूँथता हूँ पूरी के लिए। तो आटा गूँथने के लिए आपको इसमें कुछ चीज़ें मिलानी हैं। 1 टेबल स्पून आप या आधा जो आपने मसाला पीसा था सौंफ और जीरे वाला, उसका आधा हिस्सा ले लीजिए। फिर आधा हिस्सा जो आपने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ले लीजिए। फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद आपको इसमें तेल डालना है। तेल आपका लगभग लगभग 1/4 कप के बराबर इसमें डाल दीजिए। ये सब डाल के आप दोनों हाथों से इस तरीके से आटे को मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें लम्स ना रहें, अच्छी तरीके से हर चीज़ इसमें मिल जाए। तो आटा मसलने के बाद आप इसमें अपनी पिसी हुई दाल डालनी है। पूरी नहीं डालनी है आपको, आधी दाल इसमें डालनी है। आधी दाल डालने के बाद आपको इसको मिक्स करना है। देखिए दाल में कुछ नमी रहेगी तो अभी आपको तुरंत पानी नहीं डालना है आटा गूंदने के लिए। पहले दाल को आप मिला लीजिए, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस हिसाब से आप इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के आपको जिस तरीके से रोटी का आटा आप गूंदते हैं मुलायम आटा आप गूंद लीजिए। जब आपका आटा तैयार हो जाए, गूंद जाए, तो आप इसको आधे घंटे के लिए किसी ढक्कन से ढक के रख दें या कपड़ा से ढकना चाहें तो आप कपड़े से भी ढक सकते हैं। आटा गूंदने के बाद हम पूरी के लिए थोड़ा सा फिलिंग तैयार करेंगे। तो जो बची हुई दाल है उसी से हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई चढ़ा लीजिए या पैन चढ़ा लीजिए, इसमें तेल डाल लीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तब आपको 1 टीस्पून इसमें कलौंजी डालनी है। तो कलौंजी को आपको क्रैकल करना है 25 से 30 सेकंड। इसके बाद जो बचा हुआ अदरक और हरी मिर्च का कूटा हुआ पेस्ट था आप उसको डाल दें और साते कर लें 30-40 सेकंड, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपको अपनी पिसी हुई जो बची हुई दाल है उसको डाल देना। दाल डालने के बाद दाल के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दें। नमक डालने के बाद अब इसको भूनना है और फ्लेम आप इस वक्त दाल डालने के बाद आप लो टू मीडियम रख, मीडियम पे भी नहीं रखना है, लो टू मीडियम पे रखना है। इसके बाद आप चम्मच से इसको इस तरीके से फैला फैला के आपको भूनते रहना है। पहले चम्मच से फैलाइए, फिर इसको चम्मच से इकट्ठा कर लीजिए, फिर फैलाइए, फिर इकट्ठा कर लीजिए। यही प्रोसेस आपको करना है। ज़्यादा देर तक इसको छोड़िएगा नहीं, नीचे कढ़ाई में लगनी शुरू हो जाएगी, चिपकेगा। ये थोड़ा स्टिकी होती है दाल उड़द की, तो लगातार इस तरीके से फैला के इसको इकट्ठा करते भूनिए। 8-10 मिनट आपको लग सकता है। लाल नहीं करना आपको, बस इसको ड्राई करना है ताकि इसमें से जो नमी थी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और इस तरीके से जब डो की तरह आटे का जो डो बनाते इस तरह से बाइंड होने लगेगा तब आपको इसकी भुनाई बंद कर देनी। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रोसेस करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल स्टूडेंट्स कुकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबा दें और उसके बगल में जो घंटे का बटन होगा उस पर आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन की घंटी मिले जब भी मैं चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूँ। और साथ में लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर कर दिया करें। चलिए अब अगला प्रोसेस ये है कि आपको पूरी बेलनी है। तो हमारा आटा भी तैयार हो गया है, फिलिंग भी तैयार हो गई है। तो आ जाते हैं पेड़े बनाते हैं। पेड़े आपको बहुत बड़े नहीं बनाने हैं, आप छोटे पेड़े बनाएं। पेड़े बनाने के बाद आपको इसमें फिलिंग डालनी है। तो फिलिंग भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। आप इस साइज़ का 1 टेबल स्पून के बराबर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप लेके इस तरीके से आप फिलिंग को डालें। डालने के बाद आप इसको सील कर दें अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से सील कर लेने के बाद इसको हाथों से थोड़ा सा दबा दें, फिर हम इसको अब बेल लेंगे। तो पहले हाथ से इसको थोड़ा सा दबा लें आप। दबाने के बाद आप
रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लें। बहुत ज़्यादा बड़ा मत बेलिए, या आपको जो भी साइज़ पसंद है उस साइज़ के हिसाब से बेलिए। ये पूरी बारीक अगर बेल देंगे तो स्वाद में इसके फ़र्क आ जाएगा, तो थोड़ा सा मोटा ही रहे। तो पूरी बेल लिए, अब आ गई है बारी इसको छानने की। तो कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और ढेर सारा तेल डाल, तेल को खूब अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। आप ठंडे तेल में या अच्छी तरीके से तेल गर्म नहीं रहेगा, आप पूरी डाल देंगे तो आपकी पूरी फूलेगी। पूरी डालने के बाद आपको चम्मच की मदद से इस पे तेल इस तरीके से डालना, तेल लगातार इसको डालिए। कब तक? जब तक कि आपकी पूरी पूरी तरीके से फूल ना जाए। जब पूरी फूल जाए तब आप इसको पलट दीजिए। इस तरीके से आप बिना बेकिंग पाउडर आटे में डाले हुए आपकी सारी पूरियां फूल जाएंगी, बिल्कुल गुब्बारे की तरीके से। और जब थोड़ा सा लाल हो जाए या जितना भी आपको लाल करना है उस हिसाब से कर लीजिए, फिर निकाल लीजिए। है ना जबरदस्त, देखने में भी बहुत जोरदार लग रही है। तो अब तो गर्मा गर्म पूरी बन गई है हमारी। अब इसे हम एक आलू की सब्जी के साथ खाएंगे। आप इसे दम आलू के साथ भी खा सकते हैं। मैं एक जो ढाबे पे सालन वाली आलू की सब्जी होती है, मैं उसकी रेसिपी मैंने इसके साथ बनाई है, वो चैनल पे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप वो सब्जी बनाइए और ये पूरी बनाइए, और नाश्ता इतना मजे का होगा ना कि आप एक मरतबा इसको बनाएंगे तो नाश्ते में आप बार बार यही पूरी और यही सब्जी बनाना चाहेंगे। तो फिर जल्दी से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।